नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। एक इंटरव्यू और फेक इंटरव्यू के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के सबसे ईमानदार शख्स से। जी हां, ये इतने ईमानदार हैं कि दूध वाले को दूध में डाले पानी के पैसे भी अलग से देते हैं। ये इतने ईमानदार है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी इनके नाम का टैटू अपने छाती पे गुदवा रखा था। ये इतने ईमानदार हैं कि जब टीवी एंकर ब्रेक से पहले कहती हैं कि कहीं मत जाइएगा, Nope. तो ये सच में कहीं नहीं जाते। तो बिना वक्त गंवाए जोरदार तालियों से स्वागत करिए रायते आजम श्री अरविंद केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सलाम सर। सलाम तो ठीक है, मगर एक बार भारत माता की जय भी तो बोलिए। क्या हो गया सर, बोल दीजिए वरना मैं इंटरव्यू शुरू नहीं करूंगा। hey! बोलना पड़ेगा आपको भारत माता की जय, प्लीज। भारत माता की ये हुई ना बात, भारत माता की जय। तो केजरीवाल जी, इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बनते ही आप अचानक इतने मोटा कैसे हो गए? राजनीति में जब आए थे तब तो एकदम पतले से थे, अचानक से इतना फैल कैसे गए? ये असली देश का विकास है, ये असली देश का विकास है। तो आप कह रहे हैं कि आप अपना मोटापा बढ़ाकर देश का विकास कर रहे हैं? खैर छोड़िए, ये बताइए, हाल ही में फिर से किसी ने बीच सड़क में आपको थप्पड़ मारा था, गलत किया था उसने, लेकिन हुआ क्या था उस दिन? क्या आपने भी उससे कुछ कहा था? मतलब मैं बस जानना चाह रहा था। लड़ोगे मेरे साथ? मैं मरूंगा पहले, मैं कटूंगा। एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं? तो क्या आपने खुद उसे ललकारा था? मगर आपको क्या लगता है, आपको यूं पिटवा कर किसे खुशी मिलेगी? आपकी पिटाई से किसकी छाती में ठंडक पड़ी होगी? हा? किसकी? कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है दिल्ली का, तो वो है गरीब व्यक्ति। गरीब बड़े खुश है। केजरीवाल जी, आप सच में बड़े ईमानदार आदमी हैं। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि मोदी सरकार आपको कैसी लगती है? उसने 5 सालों में कैसा काम किया, प्लीज ईमानदारी से। जब से सरकार बनी है खूब काम किए हैं। सच में? या फील करते हो? मगर राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। नीरव मोदी की पार्टी नहीं है, अंडानी की पार्टी नहीं है, अंबानी की पार्टी नहीं है। एक सेकंड, अगर बीजेपी अमीरों की पार्टी नहीं है तो फिर वो किसकी पार्टी है? अरे ये तो गरीबों की पार्टी है, 24 घंटे इनके ऊपर, इनको केवल गरीबों की सूझती है। हे भगवान, कहाँ हैं आप? सचमुच आप ये सुन रहे हैं? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। एक तो बात और बताइए, जितनी ईमानदारी से आपने बीजेपी के बारे में अपनी राय बताई, क्या दिल्ली सरकार के बारे में भी आप अपनी सच्ची राय बता सकते हैं? आपने इन 4 सालों में दिल्ली में क्या क्या किया? आज हमारे दिल्ली के अंदर चारों तरफ गुंडागर्दी मची पड़ी है, चारों तरफ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सच में तो वाकई खुशी की बात है भाई साहब, क्या बात है? और बताइए, और क्या क्या हो रहा है आपके राज में इसके अलावा? गली गली के अंदर नशा बिक रहा, गली गली के अंदर नकली दारू बिक रही है, पार्कों के अंदर शाम को स्मैकी बैठ जाते हैं, पार्कों में जाना हराम हो जाता है। बहुत खूब, मतलब बहुत ज्यादा खूब। मगर आपके वॉलंटियर भी तो बहुत काम करते हैं, उन्हें लेकर आम आदमी क्या महसूस करता है? लड़की सवेरे घर से बाहर निकलती है कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता, पता नहीं शाम को सही सलामत आएगी नहीं आएगी। वाह साहब वाह, मतलब आप कह रहे हैं कि सारा गुड़ गोबर आपके लोग ही कर रहे हैं। मगर केजरीवाल जी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये सरकारी स्कूल में भेज के क्या फायदा है? बच्चा खराब होएगा, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, इससे अच्छा उसको नौकरी पे लगा दो, 2 पैसे कमा के लाएगा। क्या बात है, मतलब सर सल्यूट करता हूँ मैं। आज आप हर चीज के बारे में एकदम सच सच बोल रहे हैं, तो लगे हाँ। तो ये भी बता दीजिए कि आप लोग बार बार पुराने नेताओं को पार्टी से निकाल क्यों देते हो और हर बार उनकी जगह कुछ नए लोग ले आते हो, काय को? अब नए वालों से पैसे लेते हैं, 3,000-3,000 रुपए भर्ती करने के लिए लेते हैं कि नहीं लेते? ठीक है सर, ठीक है, मान लिया मान लिया, लोगों से गवाही मत दिलवाइए, मगर ये बताइए कि आप बार बार ऐसा करते क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है आपका? पैसे कमाने हैं। पैसे? लेकिन हमने सुना है कि आपकी पार्टी में बहुत से नेता आज भी बिना पैसे लिए काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता यही लोग पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इन्हें?
मंच के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधारना आता है हम लोगों को। बहुत खूब सर, ईमानदारी से काम करने वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। खैर ये बताइए, बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की काफी चर्चा हुई थी। राहुल गांधी भी चाहते थे कि दिल्ली में आपके साथ गठबंधन हो जाए, फिर दिक्कत आखिर आई कहां? अब ये मत कहिएगा कि एलजी ने इसमें भी अड़ंगा अड़ा दिया। सर मैं खुद गया एलजी साहब के पास, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया एलजी साहब के पास। मैंने कहा जी गरीबों का मामला है, दुआ देंगे आपको, पुण्य लगेगा आपको। एलजी साहब नहीं मानो ना। सच में? मैं तो मजाक में एलजी साहब को बीच में ले आया था और आप कह रहे हैं कि सचमुच? एक मिनट, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होने दिया एलजी ने? तोबा 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 जी तोबा तोबा का ये मकाम है। ये कहां से बीच में आ गया? तो भाग जाए यहां से। सॉरी केजरीवाल सर, आप वापस आइए। नमस्ते। ये पूछ रहा था मैं आपसे कि टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, ममता दीदी के बारे में कुछ बताइए जरा। बीजेपी वाले उनसे काफी नाराज चल रहे हैं, आप तो बंगाल भी गए थे, वहां क्या देखा आपने? क्या क्या इतनी हिटलर शाही भाई साहब मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आंदोलन मैंने भी बड़े करे। बूढ़ी बाबा, आपने तो ममता दीदी को भी लपेट दिया। तो क्या आप मानते हो बंगाल में जो ममता दीदी कर रही है वो गलत है? वो बहुत गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। क्या बात है केजरीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम सवालों की इतनी बेबाकी से आपने जवाब दिया, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अब आखिर में मैं आपसे कुछ गैर राजनीतिक सवाल पूछूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। तो सर ये कहा जाता है कि बंदर ही हमारे पूर्वज थे, क्या आपने भी कभी ऐसी कोई हरकत की है जिससे आपको लगा हो कि आपके अंदर भी एक बंदर है? मतलब जस्ट अ क्वेश्चन। आपको वो तस्वीर भी याद होगी, अखबारों में छपी थी, मैं पोल पे चढ़ गया था, याद है आप लोगों को? मंगोलपुरी में, मंगोलपुरी में ना? हाँ मंगोलपुरी में ही था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मंगोलपुरी ही था। खैर अगला सवाल, आप तो इतनी फिल्मों के रिव्यू करते हो मगर मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया, आपको क्या लगता है उनको फिल्में समझ नहीं आती क्या? अब प्रधानमंत्री बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई पिक्चर नहीं देखते हुए हटाओ। अगला सवाल, वैसे तो आपने आज तक बहुत बेसिर पैर की बातें की हैं, फिर भी कोई एक जो बात आपकी पर्सनल फेवरेट हो अगर उसे दोहराना चाहें तो, मतलब इफ यू कैन प्लीज। 10 दिन के अंदर जितने कच्चे लोग हैं सबको पक्का करके दिखा देते देश के अंदर। एक सेकेंड, कच्चे लोगों को पक्का कर देंगे, ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब मैं समझा नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा आज लंबी लंबी फेंक रहा है केजरीवाल। सर वो तो है, वो तो है, आपके मुझे ऐसी बातें सुनने की हमको आदत पड़ गई है। लेकिन सर अब जाते जाते एक तो ऐसा चुटकुला सुना दीजिए कि हमारे दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। कसम से आप उनको निराश मत करिए, प्लीज एक चुटकुला, बस एक ऑन जोक। हो सकता है जो 7 सीट दिल्ली की हो इसी से केंद्र में सरकार बन जाए, हो सकता है हमारे पास आइए समर्थन मांगने। बस करिए सर बस, थैंक यू वेरी मच। हंसते हंसते हमारा पेट फट जाएगा और फिर उसके बाद हम फट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जोरदार तालियां और एक बार इनके लिए। आपको अगर ऐसी किसी और हस्ती को इस एक इंटरव्यू फेक इंटरव्यू वाले सेगमेंट में देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, बेल आइकन दबाना है जिससे आपको नोटिफिकेशन भी जाएगी, हम अगले वीडियो के साथ जल्दी आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।